नमस्कार, बड़ी खबर निकल के श्रावणी आ रही उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के लगातार तैयारियां शुरू हो गई है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव अखिलेश यादव के समर्थन में अब उतर गए हैं, और अखिलेश यादव के समर्थन में तेजस्वी यादव के उतरने से अब संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने के दावे भी लगातार बढ़ने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह इस बार भाजपा को हराने के लिए तेजस्वी यादव जो है वो समाजवादी का समर्थन करेंगे और समाजवादियों के साथ जाएंगे, जिसके साथ ही उन्होंने समाजवादियों का समर्थन किया और एक बार फिर से भाजपा का सुपड़ा साफ करने के लिए दोनों नेता एक मंच पर आते हुए दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इस बार संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का जहां दावा पेश किया है, वहीं आपको बता दें कि बिहार से लगे हुए कुछ सीमाओं पर तेजस्वी यादव का जबरदस्त वर्चस्व दिखता है। हमेशा से तेजस्वी यादव इन क्षेत्रों में लोकप्रिय नेता बनकर रहे हुए हैं, तो यहां पर तेजस्वी यादव अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और कहीं ना कहीं यादव समाज के वोट पर एक अलग ही इंपैक्ट पड़ेगा। तेजस्वी यादव एक यादव समाज के और साथ ही साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव एक यादव समाज के जो एक बहुत ही बड़े नेता के तौर पर उभरे हुए थे, और इसी चीज को देखते हुए अब दोनों नेताओं के एक साथ आना और पारिवारिक संबंधों को साथ निभाने का जो वादा है वो पूरा करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार संपूर्ण बहुमत के साथ 400 पार के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। वहीं छोटी पार्टी और छोटे दलों के साथ गठबंधन करने वाले समाजवादियों का इस बार जमकर वर्चस्व दिख रहा है। योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दामन को छोड़कर समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर चुके हैं। यह साफ तौर पर दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार की लहर समाजवादियों की है, और उत्तर प्रदेश की लहर में चार चांद उस वक्त लग गई जब तेजस्वी यादव ने अपना समर्थन जहां समाजवादी को दे दिया, और समाजवादी पार्टी को समर्थन मिलता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक अलग मोड़ आ गया है, एक अलग रुख आ गया है। अब इसी चुनाव को देखते हुए वो आगे बढ़ने को लेकर के लगातार तत्पर रहे हैं, और तेजस्वी यादव ने इस बार का पूरा समर्थन और ताकत जो है वो समाजवादियों के साथ दे दिया है। तो ये बेहद बड़ा खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगातार वर्चस्व दिख रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के एक साथ चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं जीत हासिल हो सकती है और एक समाज के अंदर एक विकास का काम हो सकता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर अपना समर्थन दर्ज करना ना भूलिएगा। देश में 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। कई राज्यों में राजद जो है वो अपने उम्मीदवारों को उतार रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में राजद अपने उम्मीदवारों को नहीं उतार रही है। वो अखिलेश यादव को अपना समर्थन दे चुकी है, अखिलेश यादव को अपना समर्थन दे चुकी पार्टी ने। अब इस बार किसी भी तरीके से किसी कार्यकर्ता को टिकट ना देने का ऐलान किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी को संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए अपना ताकत जो है वो दिया है, और इसीलिए वो किसी भी जी नेता को अपना टिकट या फिर अपनी उम्मीदवारी करने का हक जो है वो नहीं दे रहे हैं। तो राजद ने संपूर्ण ताकत के साथ एक बार इजहार किया और कहा कि अब इस बार जहां 400 पार के नारे को अखिलेश यादव ने जो दिया वो भाजपा की सुपड़ा साफ करने के लिए काफी है, और हमारी भाई की सरकार बनने जा रही है। तो भाई की सरकार जो है वो इस बार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। जय हिंद।